हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्य कर्म कांडों का विशेष महत्व है। साथ ही इनसे जुड़ी मान्यताएं भी मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पूजा के दौरान घटित होने वाली शुभ घटनाएं तो भले ही किसी को नजर न आए, लेकिन अगर कुछ ऐसी घटित हो जाए जो सही नहीं है तो मन में वहम जरूर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर पूजा के दौरान अगर दिया बुझ जाए तो इसे एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। पूजा का सामान टूट जाए या हाथ से गिर जाए तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर भले ही कम लोगों पर ध्यान गया हो, लेकिन यह वाकई बहुत अहमियत रखती है। मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार यह केवल पुरुष ही चढ़ा सकते हैं। नारियल को गर्भ से जोड़ा गया है, इसलिए स्त्रियों के द्वारा इसे फोड़ना वर्जित है। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए विशेषकर लक्ष्मी पूजा के दौरान नारियल चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर पूजा में चढ़ाया गया नारियल खराब निकल गया हो तो यह अशुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि ईश्वर आपसे नाराज है, लेकिन सच इसके ठीक विपरीत है। अगर पूजा में चढ़ाया गया नारियल खराब निकलता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है, और इसका एक खास कारण है। नारियल फोड़ते समय अगर वह सूखा हुआ निकल जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान द्वारा नारियल का प्रसाद कबूल कर लिया गया है, इसलिए वह नारियल सूख जाता है। यह आपकी मनोकामना पूर्ण होने का भी संकेत देता है। इस समय आपने दिल में जो भी इच्छाएं होंगी ईश्वर पर वह अवश्य पूरी करने वाले हैं। वहीं अगर आपका नारियल सही निकला, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो आपको वह नारियल प्रसाद के तौर पर सभी के बीच बांट देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करिए।